अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एलआर ख़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्थ कॉर्नर। डियर ऑडियंस, पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि फैटी लेवर का जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है वो भी मैं आपको बता दूंगा, आपसे शेयर कर दूंगा। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें, ये लिंक भी मैं दे रहा हूँ और प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उसको ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। फैटी लेवर क्या चीज़ है और क्यों होता है, किन लोगों में होता है, क्या क्या एहतियाती तदाबीर हमें इख्तियार करनी चाहिए और इसका अंग्रेज़ी अद्वियात में कोई इलाज है या नहीं है, सर्जरी के अलावा या लेवर ट्रांसप्लांट के अलावा। तो इधर आज हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम ले लेते हैं, उनके इंडिकेशंस बताते हैं, अलामत बताते हैं जो फैटी लेवर में कारामद है और बहुत सारे लोग जो है इनको इस्तेमाल करके ठीक भी हो गए हैं। तो डियर ऑडियंस, सबसे पहले जिस मेडिसिन का मैं नाम ले लेता हूँ वो है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम जो है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, तस्वीर मैं दे रहा हूँ, इसी तस्वीर को आप देख ले, इसी से ये जो मेडिसिन है ये हासिल किया जाता है और पेशेंट को, यानी जो पेशेंट होते हैं फैटी लेवर के जो मरीज़ होते हैं उनको ये मदर टेंचर के फॉर्म में दिया जाता है, क्यों के फॉर्म में इसको दिया जाता है। अगर आप लिखना चाहें तो लिखें चेलिडोनियम क्यों, ज़रूर साथ लिखें, क्योंकि ये मदर टेंचर की अलामत है। जब मरीज़ को दाएं तरफ और ऊपर की तरफ आर पार दर्द हो और आर पार हो, यानी नंबर वन राइट साइड पर हो, ऊपर हो, और नंबर टू राइट शोल्डर के नीचे इस एरिया पर भी दर्द हो, तो फिर आप जो है चेलिडोनियम जो है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं तो उसमें एनलार्ज्ड लिवर जो है वो लिखा हुआ होता है, यानी लिवर का साइज जो है वो भी बड़ा हुआ होता है, तो इस सूरत में भी चेलिडोनियम जो है ये कारामद है, ये मुफीद है। एक और अलामत इसकी ये है कि मरीज़ को कंस्टिपेशन होती है, यानी स्टूल उसका आसानी के साथ पास नहीं होता, वो वॉशरूम में जाता है और उसका जो स्टूल होता है वो बाल, जस्ट लाइक बाल्स की तरह होते हैं, या जिस तरह बकरियों के मेंगने होते हैं उस तरह का स्टूल उसका बन जाता है। इसके एक और अलामत ये है कि मरीज़ का पेट जो है वो फूला हुआ होता है, मरीज़ के पेट में गैस बहुत ज़्यादा भर जाती है, वो खाना खाए या ना खाए लेकिन उसको गैस की शिकायत होती है, हर वक्त उसका पेट जो है वो गैस की वजह से फूला हुआ महसूस होता है। इसी तरह मरीज़ को कमज़ोरी भी होती है, वीकनेस जो है वो बहुत ज़्यादा महसूस करता है, और मरीज़ को मतली आती है, इस तरह कह आते हैं, नाजिया और वोमिटिंग जिसको कहा जाता है। चेलिडोनियम की जो स्पेशल अलामत है जिसकी वजह से इस मेडिसिन को हम दूसरी मेडिसिन से अलग करते हैं वो ये है कि चेलिडोनियम का मरीज जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म खाना खाता है, उसकी ख्वाहिश करता है। गर्म का मतलब ये कि मतलब खाना अभी अभी आपने पकाया है और गर्म गर्म वो उसको खाना चाहता है। इसी तरह टी यानी चाय या कॉफ़ी या दीगर जो ड्रिंक्स होते हैं उसकी ख्वाहिश होती है कि वो बहुत गर्म इसको खाए या पिए, तो ये भी इसके चेलिडोनियम की एक अलामत है और ये एक स्पेशल अलामत है इसकी। इसके अलावा इसकी एक और अलामत जो है वो जंडिस है, यानी मरीज़ में यरकान भी होता है। अगर मरीज़ को फैटी लेवर भी है और उसको यरकान भी है तो चेलिडोनियम जो है वो आप दे सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा कारामद है इस सूरत हाल। नेक्स्ट वन जो है वो है कार्डोस, ये भी एक सहराई पौधा है जिस पर फूल लगते हैं, ये तस्वीर में मैं आपको दिखा रहा हूँ, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन है, तकरीबन हर जगह पर ये पौधा जो है इसमें नवकीले कांटे होते हैं और पत्तों के ऊपर भी कांटे लगे हुए होते हैं, उससे ये जो मेडिसिन है ये हासिल की जाती है और ये भी मदर टेंचर में दी जाती है, दो कतरे मदर टेंचर के सुबह और दो कतरे मदर टेंचर के शाम को दे दिए जाते हैं। इसमें भी दर्द होता है, लेवर के मकाम पर दर्द होता है।
चलिए, डोलियम में हमने कहा था कि दर्द आर पार होता है, यानी शोल्डर के नीचे भी होता है और सामने भी होता है, लेकिन इसमें यानी कॉर्डोस में दर्द जो है वो लेफ्ट लोब में, लेवर के दो लोब्स हैं, एक राइट लोब है एक लेफ्ट लोब है, तो लेफ्ट लेफ्ट जो लोब है उसमें पेन जो है वो ज़्यादा फील होता है। इसी तरह इसमें भी फुलनेस पेशेंट को महसूस होती है, जिस तरह ऊपर हमने कहा तो मरीज़ का पेट जो है वो फूला हुआ महसूस होता है, और कंस्टिपेशन इसमें भी है, लेकिन चेलिडोनियम और इसके कंस्टिपेशन में फ़र्क ये है कि इधर यहाँ जो है कार्डोस में इधर कभी कंस्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, कभी कंस्टिपेशन हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, फिर कंस्टिपेशन हो जाता है। इसी तरह इसकी जो नेक्स्ट जो अलामत है वो है कि यूरिन जो है, पेशेंट की यूरिन का कलर जो है वो गोल्डन होता है, तो ये भी एक इसकी अलामत है कार्डोस की, कि पेशेंट जो यूरिन करता है यानी जो पेशाब करता है, पेशाब का रंग जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है, सुनहरे कलर का होता है। इसकी जो सबसे बड़ी अलामत है जिसके ज़रिए हम इसको अलग कर सकते हैं दीगर मेडिसन से, वो है नाजिया एंड वोमेटिंग, लेकिन जो वोमेटिंग होती है उसका कलर ग्रीन होता है और एसिडिक होते हैं, तुरश होता है। जब कोई बंदा वोमेटिंग करता है तो वो जिस जगह पर लग जाता है उसको ऐसा फील होता है जैसा कि वो जगह जो है वो जल रही होती है, तो ये इसकी एक स्पेशल करेक्टरिस्टिक है कि ग्रीन कलर। नंबर टू, एसिडिक, तेजाबी खसूसियत के हामिल, उल्टियाँ आती है इसको। एक और जी बोल्डो मदर टेंचर में ये भी दिया जाता है, एक पौधा है, तस्वीर में आपको दे रहा हूँ, इसको देख ले, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हिकमत में भी ये बहुत ज़्यादा ये पौधा जो है इस्तेमाल होता है, और ज़माने कदीम से इस्तेमाल होता चला आ रहा है। जो गैस्ट्रो यानी स्टॉमिक या मैदे के जो ख़राबियाँ हैं, या यूरिनरी ट्रैक में जो ख़राबियाँ हैं, या फिर लेवर की जो ख़राबियाँ हैं, उनके लिए बहुत यानी 200-300 साल क्या कि हज़ारों साल से ये पौधा इस्तेमाल होता चला आ रहा है। इसमें कुछ केमिकल है, कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जिसमें बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट भी है, यानी ये बैक्टीरिया को भी मार देती है, एंटीबायोटिक असरात भी इसके अंदर मौजूद है। तो जब फैटी लेवर के साथ साथ गैस्ट्रिक के जो असरात है यानी मैदे के असरात है वो भी साथ शामिल हो जाए, तो ये बोल्डो जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आप दे सकते हैं। इसमें भी पेन होता है, दर्द होता है, लेकिन ये दर्द बर्निंग टाइप का होता है, मैदे में जलन होती है, साथ यहाँ लेवर के मकाम पर भी जलन होती है, और एक वजन सा महसूस करता है पेशेंट, इस एरिया को भारी महसूस करता है। इसी तरह मरीज़ का जो टेस्ट होता है, मुंह का जायका जो होता है वो कड़वा होता है, बाइटर होता है, और मरीज़ को भूख जो है वो नहीं लगती। तो ये बोल्डो जो पौधा है या जो होम्योपैथिक मेडिसन है मदर टेंचर में दे दिया जाता है, सुबह शाम 2-2 या 3 दिन कतरे आप ले सकते हैं, तो ये इसकी कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक है, कुछ स्पेशल अलामत। इसके बाद है लाइकोपोडियम। जब भी लेवर की डिजीज़ का नाम आता है तो लाइकोपोडियम और चेलिडोनियम, ये दो नाम तो तकरीबन हर किसी को ज़ुबानी याद रहते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो लाइकोपोडियम जो है ये 200 की पोटेंसी में दी जाती हैं, 2 ड्रॉप्स सुबह और 2 ड्रॉप्स शाम के वक्त दे दिए जाते हैं, और फैटी लेवर के साथ साथ जब गैस्ट्रिक सिम्टम भी हो, जिस तरह हमने बोल्डो में कहा, तो इधर भी अगर साथ साथ गैस्ट्रिक सिम्टम भी हो, गैस्ट्रिक सिम्टम में क्या है, एसिडिटी है, बर्निंग है, ठीक है, इसी तरह मैदे के मुकाम पर दर्द है, खाने के फौरन बाद पेट फूल जाता है और दिखार आने की, डकार आने की शिकायत होती है, तो ये भी लाइकोपोडियम की एक अलामत है। जिगर के मुकाम पर दर्द होता है और ये दर्द जो है बारिशा होता है, ये दर्द स्टामिक की तरफ जाता हुआ महसूस होता है, तो ये लाइकोपोडियम की एक स्पेशल अलामत है, आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइकोपोडियम का जो मरीज़ होता है वो अनोखी किस्म के खाने का शौकीन होता है, मिठाई खाने का और गर्म जो चीज़ें होती हैं उसके खाने का बहुत ज़्यादा ये इश्तियाक रखता है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती हैं, जो फास्ट फूड्स है, इसी तरह मिठाई है, इसी तरह गर्म जो खाने हैं उसके खाने का बहुत ज़्यादा शौक इसमें होता है। फास्फोरस एक और मेडिसन है, केमिकल है, आम तौर पर आप जानते हैं इसको फास्फोरस, तो होम्योपैथी की दुनिया में भी इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं,
फास्फोरस भी 200 की पोटेंसी में दी जाती है। और इसकी एक स्पेशल अलामत ये है कि मरीज़ को ऐसा लगता है जैसा कि मैं जो कुछ खा रहा हूँ वो वापस ऊपर की तरफ आ रहा है, जो कुछ मैं खा रहा हूँ वो वापस ऊपर की तरफ आता है, और साथ साथ कड़वे डकार आते हैं। मुँह का जायका भी कड़वा होता है और जो डकार आते हैं वो भी कड़वे होते हैं। इसी तरह मरीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है, बिलखसूस जब वो वाशरूम में जाता है, उधर रफ़ाए हाजत करता है और वहाँ से वापस आता है, तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी जो है वो मरीज़ जो है वो महसूस करता है। फास्फोरस के जो मरीज़ है वो आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स और इस तरह जूसेस वगैरह इसके खाने का बहुत ही ज़्यादा शौकीन है। नेक्स्ट वन जो है वो नक्स वोमिका है, और नक्स वोमिका का ताल्लुक अल्कोहल के साथ है। पिछली वीडियो में हमने कहा था कि फैटी लेवर की एक काज जो है वो अल्कोहल कंजम्पशन भी है। जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनको भी फैटी लेवर हो जाता है। तो ऐसे मरीज़ जिनको ज़्यादा अल्कोहल इस्तेमाल करने की वजह से फैटी लेवर हो जाता है उनके लिए नक्स वोमिका जो है ये एक बेहतरीन चॉइस है। साथ साथ वो अल्कोहल को छोड़ भी सकते हैं इसके इस्तेमाल के साथ। इसके साथ साथ मरीज़ जो होता है अल्कोहल के अलावा जो दीगर स्टेमुलेंट्स है जैसे कॉफ़ी है, टी है या कुछ मेडिसन है, आजकल जो है जिसका आइस जिसको हम कहते हैं, तो इस तरह के स्टेमुलेंट्स के इस्तेमाल करने का भी बहुत ज़्यादा शौकीन होता है। तो ऐसे मरीज़ को हम नक्स वोमिका जो है वो दे सकते हैं। इसके बाद मरीज़ को ख्वाहिश होती है कि वो स्टूल हो जाए, कंस्टिपेशन मरीज़ को होता है, और कंस्टिपेशन ऐसी होती है कि मरीज़ को ये ख्वाहिश है कि उसका स्टूल पास हो जाए, लेकिन उसका स्टूल पास नहीं होता और बेचारा वापस इसी तरह वॉशरूम से बाहर आता है। नक्स वोमिका की एक और अलामत ये है कि इसका दर्द जो है वो खाने के 1-2 घंटे बाद शुरू होता है। मतलब जब वो मरीज़ खाना खाता है तो खाने के 1-2 घंटे बाद इसका पेन या दर्द शुरू होता है। आगे मैं 2 मेडिसिन का नाम लूँगा, एक कैल्केरिया कार्ब है, एक फाइटोलेका बेरी है। तो वज़न कम करने के लिए हमने इन दोनों मेडिसिन पर तफसीली गुफ्तगू की थी, जो हमारी वीडियो है वेट लॉस पर, वो वीडियो आप ज़रूर देख लें। बाज़ अवकात ऐसा भी होता है, कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और उनके फैट्स जो है अराउंड अबाउट द बेली फैट्स जमा हो जाता है, इसी तरह प्लफी होता है, और एकामुलेशन ऑफ फैट्स एंड द लेवर ये भी बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइटोलेका बेरी और कैल्केरिया कार्ब ये दोनों जो है ये भी जो ऊपर जो मेडिसन हमने बताई है इनके साथ देना भी ज़रूरी होता है। ये जो मेडिसन है ये कम्बिनेशन में भी दस्तियाब है। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो ये 5-6 मेडिसन के नाम हमने लिए हैं, ये सब के सब मेडिसन एक बॉटल में वो डाल के दे देते हैं, और अलग अलग भी अगर आपके जो अलामात हैं वो किसी एक मेडिसन के साथ मैच कर जाती हैं तो आप इनमें से कोई एक अलग मेडिसन भी ले सकते हैं। मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी रहे खुश रहें और महफूज रहें। अल्लाह नेगे।